What's up guys, welcome back to my YouTube channel. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो है फाइवर. ठीक है, अगर तो आपका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से पाला पड़ा हुआ है तो आप इस प्लेटफॉर्म से, इस फाइवर से बखूबी वाकिफ होंगे. तो आजकल जो लोगों को मसला आ रहा है जी, वो कहते हैं जी ऑर्डर नहीं मिल रहे, ठीक है, क्लाइंट नहीं मिल रहे, मैसेज नहीं आ रहे. तो ज़्यादा लोग सेंड रिक्वेस्टें भेजते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं बनता. तो मसला ये है कि कंपटीशन जो लेवल है वो इंतहाई ज़्यादा हो चुका है आजकल. ठीक है, पहले तो कंपटीशन था ही, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी जो स्पेस है वो मिल जाती थी. लेकिन आजकल जो मसला हुआ पड़ा है, कोविड की सिचुएशन आपके सामने ही है. ठीक है, कोविड आने के बाद तो मसला मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. हर बंदा इस प्लेटफॉर्म पर आ गया, ऑफर पर आ गया काफ़ी सारे. ठीक है, तो कंपटीशन लेवल पहले की निस्बत अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. ठीक है, तो आज मैं कुछ आप लोगों के साथ गिग्स जो हैं वो आइडियाज़ शेयर करूंगा. ठीक है, मुझे ये किसी फेसबुक ग्रुप में मिली थी एक पीडीएफ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाई जाए, तो शायद आपकी किसी की मदद हो सके इससे. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जी ये है मेरे पास पड़ी हुई पीडीएफ. ठीक है, इसके अंदर जो हैं गिग आइडियाज़ काफ़ी सारे हैं. ठीक है, ये आपको मैं सेंड भी कर दूँगा नीचे, या डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा. ठीक है, सबसे पहले जी बात करते हैं राइटिंग की. ठीक है, कंटेंट राइटिंग आ गई है कोई ब्रीफ्स, तो इसके अंदर देखें हमारे पास कितनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं. ठीक है, जब भी कंटेंट राइटिंग की बात आती है आपके दिमाग में, ठीक है, तो आप फौरन से जाएंगे जी, किसी ने मशवरा दे दिया है राइटिंग का बड़ा काम आता है जी इसका, आर्टिकल लिखने या कुछ भी, डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की, डिस्क्रिप्शन है कुछ भी है. ठीक है, तो आप सबसे पहले जाके सर्च करते हैं जी, अगर तो रिसर्च करनी होगी. ठीक है, हम यहाँ पे आके कंटेंट राइटिंग लिखते हैं. ठीक है, जहाँ पे हम सर्च करते हैं, ओ भाई नहीं चाहिए बड़ा वापन से. अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं जी, सबसे पहले आपने ये चीज़ को समझना है कि आपने सबसे पहले कंपटीशन जो है, अपने कंपटीटर हैं उनको रीड करना है. ठीक है, आपके जो कंपटीटर हैं वही आपके दोस्त हैं, ये आप याद रखना. ठीक है, क्योंकि उनकी जो गिग्स हैं वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल सकते हैं कि आपने कैसे अपने जो कीवर्ड्स हैं गिग की टाइटल डिस्क्रिप्शन में कैसे प्लेस करने हैं, कैसी मतलब कि उसको लुक देनी है. ठीक है, तो ये देखें जी, सबसे हमने सर्च किया कंटेंट राइटिंग, पहले पे आ गई है जी, आई विल बी योर वेबसाइट कंटेंट राइटर फॉर एसईओ एंड फलाना फलाना. ठीक है, तो ठीक है, इस पर कॉम्पिटिशन क्या है, 10,812. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जो हैं इसकी सब निशीज़ हैं जो, ठीक है, कंटेंट राइटिंग के अंडर जो आती हैं सारी कैटेगरीज, तो हम कोशिश करते हैं जी उन पे ट्राई करते हैं कीवर्ड को सर्च करके, और देखते हैं क्या मतलब कि कंपटीशन का लेवल क्या है. अगर कोई बात बनती है वहाँ पे तो हम अपनी गिग वहाँ पे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो जैसे जी राइट सेल्स कॉपी कुछ भी, कोई भी निकाल लो यार इसमें से, बुक रिव्यूज, चलो हम ये सर्च करते हैं बुक रिव्यूज. ठीक है, देखें क्या है जी उसकी, ये सब कैटेगरी है एक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बुक रिव्यूज. ठीक है, अब मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, वो यहाँ पे आपने एक चीज़ को समझना है. ठीक है, वो ये है कि देखें, अब जो हमने मेन कीवर्ड सर्च किया था उसके 10,000 तो कुछ रिजल्ट शो हुए थे, मतलब कंपटीशन लेवल हर बंदा आता है वो मुंह उठा के उसका कीवर्ड यही बनता है, उसको को बता दे कि कंटेंट राइटिंग पे बड़ा काम है जी, वो क्या करता है जी आगे इस चीज़ को ऐसे सर्च करेगा. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने जब गिग लगानी है तो आपने ये चीज़ देखना है कि मैंने उस, ठीक है, जो कंटेंट कोई भी कैटेगरी है उसके अंदर उसके मैंने जो सब निशेज हैं, सब उसकी कैटेगरीज हैं, उसको मैंने टारगेट करना है. ठीक है, अगर आप उसको टारगेट करेंगे कीवर्ड अपने सब निश्चित या सब कैटेगरीज के रिलेटेड लगाएंगे तो फाइवर भी आपको ऊपर उठाएगा. ठीक है, आपको ऊपर लाने की कोशिश करेगा. ठीक है, फाइवर कभी भी उस बंदे को ऊपर नहीं लाता जो वही जो 1,000-2,000 बंदा लगा के बैठा हुआ, वो बंदा भी आके वही लगा देता है. ठीक है, हाँ किसी का फ्लूक लग जाता है फाइवर, क्योंकि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर बंदे को मौका देता है. ठीक है, ये मतलब कि वो नहीं है दूसरा इसका कोई हिसाब कि यार जो पहले टॉप पर है वो टॉप पर रहेगा, नहीं, इसका एल्गोरिथम जो है वो काम ही ऐसे करता है, इसने मौका देना होता है सबको. ठीक है, जो परफॉर्मेंस कर रहा है ठीक है, जो नहीं करेगा उसको खा के नीचे मारेगा ये. बाकी ये देखिए, अब हमने इस पर सर्च किया जी सब उसका जो है कीवर्ड, तो उस पर हमें क्या 9 जो 9 सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं. ठीक है,
उसका कंपटीशन ना होने के बराबर ही है। और ये नहीं है कि इस पर काम नहीं है, काम भी है इस पर, ठीक है। ये देख लें, ये इस पर 6, 15, 28, ठीक है, काम आया होगा इसको। तो इसी तरह हम बाकी भी कीवर्ड्स हैं उनको भी सर्च कर लेते हैं जी, इसके अंदर आ जाएं जी। और भी हैं काफ़ी सारे, जैसे कि कोई भी सब जो देख लेते हैं डिज़ाइन, ये देखें ना आइकन वगैरह, ये तो एक काफ़ी बड़े कीवर्ड हैं। फोटो रेड आइकन, वर्ड क्लाउड इमेज, इसको निकाल लेते हैं। वर्ड क्लाउड इमेज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना, चेक करते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। तो मैं इसको रख के सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो ठीक है, 428 सर्विसेज हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमें मौका मिल सकता है, ऑनलाइन फ़िल्टर लगा दें। अब देखते हैं कितनी बच रही हैं, 18 बच रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल सकती है, कोई गिग लगाएं अपनी अच्छी सी, ठीक है, अच्छी सी गिग लगा के स्पेस लें, यहाँ पे आएँ ऊपर इसके काम करें, ऑर्डर मिलते हैं क्यों नहीं मिलते, ठीक है। बाकी ये देखें, कहीं के पास ऑर्डर नहीं भी है, हर बंदा तो ही ना, वही है ना एल्गोरिथम की बात है कि किस कीवर्ड पे क्या सर्च करके वो दिखा रहा है क्लाइंट को, ठीक है। बाकी ये गारंटी है कि आप अगर डिफरेंट चीज़ करेंगे, यूनिक चीज़ करेंगे, आप ऊपर आएंगे। इसका ये नहीं है कि आप ऊपर ही नहीं आएंगे कि नीचे के नीचे फारग हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। यूनिक चीज़ लगाइए, डिफरेंट चीज़ लगाइए, आप ऊपर आएंगे, 100% आएगी, गारंटी है, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं तो किसी भी और निश में आ जाते हैं, जैसे कि हम एसईओ की सर्विसेज में आ जाते हैं। यहाँ पे 7 आइडियाज़ हैं। तो देखिए, जब एसईओ का दिमाग में आया तो एसईओ का क्या है जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। अब आपने फाइवर पे काम करना है, ठीक है, तो आप जाते हैं वहाँ पे, लिखते हैं जी, गिग लगाते हैं, आई विल डू एसईओ ऑफ योर वेबसाइट, या कुछ ऐसे ही सिंपल सा लगा देते टाइटल, मतलब कोई नहीं है, हर बंदे के पास है वो टाइटल, ठीक है। एसईओ में सर्च करता हूँ यहाँ पे, अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो आपके सामने हैं कि 23,663, ठीक है। अब इस कीवर्ड पे ये हाल है, मतलब कि अगर आप ये सिंपल किक लगाएंगे कि मैं सिंपल के ऊपर आ जाऊँ, ऑर्डर पकड़ लूँ, तो भाई साहब वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको वो चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जो यूनिक हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इसी बात को कि यार ये यूनिक आजकल सिस्टम दौर ही हुई है, अगर आप कोई यूनिक काम करोगे तो ऊपर आओगे, सिंपल सी बात है। वही काम घिसा पिटा कर रहे हैं जो हर बंदा कर रहा है, तो आप कभी ज़िंदगी में ऊपर नहीं आ सकते यहाँ पे। ये इन जो प्लेटफॉर्म हैं इनका ये लॉजिक है। वैसे भी आजकल जो दौर है इनोवेशन का दौर है, कोई नई चीज़ करें, ठीक है। अगर इसी में मैं कोई छोटा सब कैटेगरी के रिलेटेड कोई चीज़ पकड़ लूँ, कोई कीवर्ड पकड़ूँ, तो सेंड ट्रैफिक विद सबमिट, अगर ये इसको मैं बोलूँ इस पर क्या सिचुएशन है, देख लेते हैं अभी, इसको मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे जी कंपटीशन का जो लेवल है वो कम तो हो गया, लेकिन फिर भी 3,000 सर्विसेज हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस पर काम भी काफ़ी ज़्यादा है, ये देख रहे हैं 4,466, ठीक है। ये देखें इस पर काम भी अच्छा खासा है, बल्कि वेला नहीं बैठा हुआ कोई भी, देख रहे हैं इक्का दुक्का नहीं रहे, काम अच्छा है यहाँ पे इसकी। और समझ आ रही है जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं, आप ये नहीं है कि खाली यही कीवर्ड बचे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं ये बेसिक जो आइडियाज़ हैं वो बस आपको बताना चाह रहा हूँ। देखें निश के अंदर भी उसकी सब निश है, सब कैटेगरी है, ठीक है। तो उसको आपने टारगेट करना है, बस कोई भी चीज़ उठा लें, एडिटिंग वीडियो शीडियो जो भी है, सॉफ्टवेयर कुछ, बहुत बहुत कीवर्ड पड़े हुए हैं। अगर आपको मसला होता है कीवर्ड सर्चिंग के का, तो आप कोई भी मतलब के टूल यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास काफ़ी सारे टूल हैं, HREF है, ठीक है, और सैमरश है, इसलिए सैमरश तो खैर महंगा है, लेकिन फ्री टूल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। ऊपर सजेस्ट का मेरे ख्याल से है, वो भी फ्री टूल है, और बाकी कीवर्ड्स .io यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है, आप रिसर्च करके कितनी रिसर्च करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। कंपटीशन बस आपने गैप ढूंढना है, ठीक है, गैप ढूंढ के उस पर काम करना है, ठीक है। और जब आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाता है कि जिस पर कंपटीशन जो है वो काफ़ी कम है, 1,000 को सर्विसेज हैं या 1,500 तक, या काफ़ी कोशिश करें कि 1,000 सर्विसेज नीचे वाला जो कीवर्ड है ना उसको ट्राई करें, 1,500 इससे ऊपर ना ट्राई करें, वो ऊपर आने के चांसेस कम है,
ठीक है, तो जब भी आप सपोज करें कोई कीवर्ड पकड़ लेते हैं तो मैं यहाँ पे दूसरा जो मेरा काम है मैंने वो ट्राई करना है जी, मैं अपने कंपटीटर के गिग को ना कंप्लीट में रीड करूँगा, इसके पास काफ़ी ऑर्डर है, इसको चेक करते हैं इसने क्या क्या लगाया है, रोड इसके क्यूरी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जो है इसकी कोई देखें इतनी भी नहीं है, मज़े की नहीं है, इसने बस वो कोई पैराग्राफ नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी लक पे भी डिपेंड करता है समटाइम्स, ये नहीं है कि जो कह रहा हूँ कि बस वो ही करना है, ये बड़ा लक का भी बड़ा काम होता है इसमें। 1K+ टोटल रिव्यूज हैं जी इसके पास, ठीक है, तो सर्विस दे रहा है जी 804,000 की, ठीक है। आपने इसी तरह देखें, एक ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है कि आप देखते हैं जी ये बंदा डिस्क्रिप्शन डाली है लेकिन कोई नहीं, इसने इतनी खास नहीं है, तो फिर भी इसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। इस पर जो चीज़ है वो लक भी डिपेंड करती है, हो सकता है इसने उस दौर पे ये बनाई हो गिग, ठीक है, जहाँ पे इसका कंपटीशन लेवल बहुत ही कम था, ठीक है, वहाँ से इसकी गिग ऊपर आई हो, डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसकी खैर प्रोफाइल को इतना क्या चेक करना, अब आ जाएं जी कोई भी कीवर्ड पकड़ लें उभर के, 1000 कीवर्ड में यार कुछ भी पकड़ लूँ, जो मैं बेसिक जो बात करना चाह रहा हूँ आगे वो पल्ले पड़नी चाहिए बस, ठीक है, बाकी आपको समझ आए ना, यूनिकनेस ढूंढनी है, भाईजान गैप ढूंढना है, स्पेस ढूंढनी है, ठीक है। अगर आप ऐप डेवलपर हैं, ठीक है, तो ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी ये भी नहीं है कि यार आपने सीधा ही लगा देना जी आई विल मेक एन ऐप एंड्रॉयड ऐप iOS ऐप फॉर यू, ठीक है, इस पर नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे देता हूँ, इस पर नहीं मिलेगा काम, आपको कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, कोई उसकी सब कैटेगरी, कोई ऐसा कीवर्ड कंपटीशन जिसमें ना हो, वो आपको करना पड़ेगा भाई साहब। अगर यहाँ पे एक्सेलरेट करना है इस मार्केट में तो आपको ये काम करना पड़ेगा, रिसर्च अच्छी करनी पड़ेगी, आपको गैप ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अगेन देखें जी क्या टेस्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसके ये होता है कि जो कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाती है वो कहते हैं जी हमारे में इसको टेस्ट करके दो कि ये सही चल रहा है नहीं, कोई एरर है तो बताओ हमें, ठीक है। देखें जी टेस्ट के फ्रेंड ये देखें कोई भी देखने, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि ये लोग मैनुअल कर रहे हैं हर चीज़ को, ये कि मैनुअल बता रहे हैं कि भाई आपका यूज़र नेम पासवर्ड सिस्टम सारा साइनअप सिस्टम ओके है नहीं, इसमें इन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किए होते हैं, जैसे मेरे ख्याल से सिलीनियम कोई ऐसा था, मेरे जहन में नहीं आ रहा सॉफ्टवेयर के लिए जो यूज़ होता है उसमें बता दिया, वो खुद ही एक बटन पे बता देता है कि भाई इसमें ये खराबियाँ हैं सॉफ्टवेयर में, ये चल रहा है यहाँ से नहीं चल रहा है, यहाँ पे 404 मार रहे हैं, यहाँ भी ये 301 मार रहे हैं, क्या कर रहा है कुछ भी, ठीक है। तो भाई साहब मेरा जो आज का बताने का मकसद था ना, तो वो सिर्फ इतना ही था, तो मैंने अभी ये नहीं बताया कि कैसे लगानी है, वो लाइव किस दिन हुआ तो बताऊँगा लाइव लगा के। आज का जो बेसिक जो था मेरा मकसद वो यही बताना है कि भाई साहब आपने गैप ढूंढना है, ठीक है, स्पेस ढूंढनी है, कीवर्ड रिसर्च को अच्छा करना है, ठीक है, कोई कीवर्ड मिलता है जिस पे कंपटीशन नहीं है, कम है, 500,000 सर्विस हैं, उस कीवर्ड को आपने टारगेट करना है, ठीक है, 2 से 3 या 4 गिग्स लगा के, अगर तो नहीं हो ठीक है तो ट्राई करो, ये मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे कि यार ये आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। बाकी काफ़ी सारी टिप्स हैं, बाकी दुआ में याद रखिएगा भाई साहब, अगर हुआ तो फिर बताइएगा मुझे, कोई मसले मसाइल हुए तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।